24 23 अथवा मायाया नूनं गतिरगोचरा चित्तशोवशश्चापि भूतानामिति निश्चया। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्ति अचिंत है, कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा नहीं शब्द चातुर द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तु के कर्ता है, अंतिम कर्ता से परिचित हुए मनुष्य को वास्तविक संपन्न कर्ता के से अनिभिज्ञ नहीं बनने रहना चाहिए। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान के प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त तो माया शक्ति द्वारा संभव होता है। माया सदैव से भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। धर्म यह अच्छी प्रकार जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता था। यह संशय कलि तथा माया दोनों के कलुष के कारण था। कलयुग का समस्त वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विकृत हो गया है और इसकी माप की सीमाओं को बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई बोलता है, मेरे हाथ से जो बुरे कर्म हो रहे वो भी भगवान की इच्छा से हो रहे, ये गलत है। भगवान की इच्छा के से या भगवान की इच्छा से नहीं होते, भगवान की अनुमति से होते हैं। जैसे हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं, हम बोलेंगे भगवान ने बुद्धि दी इसलिए पाप किया, नहीं गलत है। आप जब पाप कर रहे हो तो भगवान बोलेंगे मत कर, लेकिन फिर भी हम मानेंगे नहीं, हम करते हैं। क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है, कर्मवाद दैववाद। दैव से भगवान ने आपको पैसा दिया है, लेकिन जो आपके पास संपत्ति है, वित्त है, उसका उपयोग कैसा करना हो आपको डिसाइड करना है, और उसके ऊपर आपका अगला फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। हाँ, भगवान आपको ट्रेनिंग देंगे, शास्त्र देंगे, लेकिन यथेच्छ चित्तता करो। अर्जुन को बोला कि आपको ही फाइट करना है, मैं आपको मदद करूंगा हर मोमेंट में, लेकिन फाइट किसको करना है आपको। ऐसे तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृतः अधर्मान् श्रेष्ठयो भग्ना स्म्यसंगम मदस्ते वः। सत्ययुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चे के चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पाव चुट चुके हैं। अभी धर्म का कितना पाव बचा है? एक, सत्य। बाकी सब कुछ टूट चुका है। द्रौपदी बोलते, भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। हिंदी आपको समझते हैं क्या? मुझे हिंदी बहुत कठिन जा रही है। इसमें से बहुत सारे शब्द तो समझते ही नहीं, है ना? भ्रामक शक्ति मतलब माया शक्ति, थोड़ा सिंपल बताना चाहिए। माया शक्ति या भौतिक माया शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव, या अनुपात क्या है, अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव प्रभु, माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार हो जाता है। जीव माया का शिकार बन जाता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह कराते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु तो इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाए, लेकिन प्रकाश के पथ पे अग्रसर हो। देखिए, इस भौतिक जगत में माया शक्ति कितनी पावरफुल है, कोई भी व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता। आप कितना भी सोचिए, केवल भगवान की कृपा जरूरी है। क्या जरूरी है? भगवान की कृपा। और ये मैंने मतलब हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। ऐसा मत समझना प्रभु जी 10 साल के बाद होंगे, नहीं। प्राक शरीर विमोक्षणा, जब तक आप ये शरीर छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक माया शक्ति आपके बाजू में रहेंगी रहेंगी और टेम्पटेशन देते रहेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा सत्संग में रहना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और भगवान को प्रार्थना करना है, गुरु को प्रार्थना करना है कि हम कभी भी भटक सकते हैं, कभी भी भटक सकते हैं। तो इसलिए जो भक्त बोले हैं, प्रभु जी सत्संग को क्यों नहीं आ रहे, हमारा माइंड में इतना सारा
आंधी चलता है, तूफान चलता है, लेकिन एक भक्त बोलता है प्रभु जी सत्संग को नहीं आए। हमें लगता है चलो यार जाके आते, हम सत्संग में जाएंगे ना तो आपके घर में जो आंधी चल रहा था, तूफान चल रहा था, जैसे सत्संग में जाएंगे वो तूफान बाजू हो जाता है। भक्त नहीं, मुझे भक्ति करनी है, सब नियमों का पालन करना है, बस सुख है, बस ये उसका प्रभाव होता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी होने दो भले, आपके आपने सब नियम तोड़ दिए, अपने माइंड में तोड़ दे, फिजिकली तोड़ दे, अभी आपको लग रहा है मैं तो नरक में जाने वाला, मैं नहीं जा सकता, फिर भी मंदिर में चले जाओ, सब कुछ चेंज हो जाएंगे, पूरा जीरो से एकदम टॉप। कभी कभी माया आपको एकदम टॉप से जीरो लगती है, निराश करेंगे आपको, लगेंगे अरे भक्ति करना तो पॉसिबल है, ये सब क्या ड्रामा करो, मैं छोड़ दूँ, डोंट वरी, ये माया का ट्रिक है। क्या है? माया का ट्रिक है। श्री भगवान स्वयं हमें आगाह करते कि माया, हाँ, कि माया शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, दैवी एषा गुणमयी मम माया धरते हैं, किंतु पूर्ण रूप से जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। अरे हमारे आचार्य तो ऐसा बोलते हैं ना कि क्यों हम भगवान की, भगवान को मुझे रक्षा करना पड़ेगा, डिमांड करते भगवान से, मैं आपकी आपके पे डिपेंड हूँ, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। ऐसे भक्त तो भगवान को डांटते भी है, मतलब उनका भक्ति इतना लेवल का होता है कि भगवान भगवान तो वो बोलते हैं मैं क्यों टेंशन लूँ, मृत्यु के समय मुझे क्या प्राप्त करना है, आपका टेंशन है, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है ना, तो अभी क्यों मुझे टेंशन दे रहा, आप देख लो। ऐसे एक आचार्य बोलते हैं कि जो जीवन भर भगवान की भक्ति कर रहा है उसको टेंशन नहीं है, भगवान को टेंशन है कि उसका स्मरण करे वो। हाँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये श्लोक किसके लिए होता है? जो लोग भक्ति में नहीं है, गुरु के अंदर है, उसको टेंशन होता है उसका, जो गुरु की शरण लिया है, गुरु की सेवा करने का प्रयास करके भगवान को समझता नहीं है क्या? ऐसे वो आचार्य बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मत डांटना। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सत्ययुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, और आश्रम में सभी परमहंस तथा उच्च कोटि के सन्यासी थे। सत्ययुग में सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठग नहीं थी, ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया के पास से दूर रखने में सक्षम था। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों, क्या क्या, तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य में अहंकार आया, तपस्या की जगह पे अहंकार, मैं ब्राह्मण हूं मैं श्राप दूंगा, काम वासना, तपस्या की जगह काम वासना, बाद में पवित्रता की जगह क्या आ गया, नशा और दया, सत्य, ये सब टूट गए। क्यों? तो मोक्ष का मार्ग, दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से और अधिक दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं, और स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव के कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है, स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं, और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने हेतु एक से एक आकर चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सभी आदतें या सभ्यता की तथागत प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है, और व्याभिचार, घूस तथा भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य बुढ़िया को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को उचित दवा कर सकता है। बैटरी में आवाज आ रहा, हरी बोल। But is rewarded at a point, then the thought ठीक side on that body is returning है, back सर डिस्कशन कहाँ चल रहा है? the rewarded point. पुष्कलम से की माता जी, आप उनको म्यूट करो, जो है मैं तो नहीं, मेरा कौन है? हाँ, उनका दूसरा क्लास चल रहा है। ओके। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन प्रतिभाष्ट मनुष्य पर खर्च करे और उन्हें इस चेतना अर्थात भगवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उलझने से असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनके संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग में विपथ हो जाएंगी। चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना ही
हल्लोगुल्ला क्यों न करे। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिखाया है क्या क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट हमारे भक्तों के समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो जो डिजायर्स होती है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे मैं लोगों को बोलता हूँ, तुम जल्दी से विवाह कर रहे हो, एक बार विवाह कर लेंगे ना तो ये सब फालतू चीजें नष्ट हो जाएंगी। और फिर आपका क्या है, बस भक्ति करो, ठीक है, विवाह कर लो। सबसे पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, पति पत्नी भगवान का नाम लो, अपने बच्चों को भगवान के बारे में सिखाओ, हर दिन भगवत का पाठ करो, और जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में है उनको क्या कराओ, भगवत से। अन्य से एक डिजायर पूरी नहीं होती, लोग कलंद काम करते रहते हैं। हाँ, इससे पूरा पाप बढ़ रहा है ना सब। पाप क्यों बढ़ाना है, अधर्म नहीं बढ़ाना है, जो धर्म के अनुसार वो करना है। और इसलिए लोगों को जितना हो उतना जल्दी हमें भगवान के बारे में बताना है, श्रीमद् भागवत के बारे में उनको। आप जितने भी भक्ति विभोग कर रहे हो ना, आपको हर एक का क्लास होना चाहिए, या तो उनको एंट्री देना नहीं चाहिए क्लास में, है ना। आपको एटलीस्ट 10 लोगों को तो भी भागवत सिखाना ही, कम से कम एटलीस्ट आपके परिवार में पढ़ना है हर दिन भागवत। आपके हर एक आपके बच्चों को ज्यादा फोर्स मत करो चैंटिंग, उसको भागवत की स्टोरी सुनाओ, भागवत को अट्रैक्टिव दिखाओ। भागवत क्या अट्रैक्टिव है, लेकिन हमें उसको बोर नहीं करना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस क्या अट्रैक्टिव, हमें उसको बोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। भागवत मार्ग ही एक उपाय है और कोई नहीं। मैं अभी जो क्लास चालू करने वाला हूँ ना, वो तो क्लास क्या चालू करने वाला पता है आपको, बिकम द टीचर ऑफ भागवतम, बिकम द टीचर ऑफ भगवत गीता, बिकम द टीचर ऑफ रामायण, बिकम द टीचर ऑफ महाभारत। उसी को क्लास में एंट्री दूंगा मैं, फॉलोअर नहीं, टीचर। हमें किसकी आवश्यकता है, टीचर। कितने लोग रेडी है? तो उस मतलब टीचर मतलब आपको कुछ लोग लेने पड़ेंगे, है ना। मेरे पास तो 3 लाख का डेटा है, तो टीचर कहाँ है? कितनी सोसाइटी है यहाँ पे। अभी मुझे एक सोसाइटी में बुलाया है, तो मैंने बोला देखो मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप में से 10 टीचर चाहिए तभी मैं आऊंगा, तो नहीं आने वाला। बोले ठीक है सर, आप आइए, आपको 10 टीचर देंगे हम। नए लोगों को बोला हूँ, पुराने लोग आप जैसे भक्ति शास्त्र किए हुए नहीं, जिनको कृष्णा कॉन्शियस का ABCD भी पता नहीं, बट उनको बोला आपको। आज मैं उनको बोलने वाला हूँ कि आपको मुझे फॉर्म भर के देना, कितने लोग टीचर बनेंगे, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, उनका मैं ऑनलाइन, मैं अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोलने वाला हूँ। कितने लोगों का आइडिया अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन वैदिक यूनिवर्सिटी, जिसमें ऐसे 10 10 मिनट के, 15 15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो, भगवत की स्टोरी, आचार्य की स्टोरी, कैसे नए लोगों को बताना है, तिलक क्यों लगाना है, शिखा क्यों डालना, हर चीज, दिवाली क्या है, दशहरा क्या है, फिर लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और टीचर, टीचर्स ट्रेनिंग की वीडियो डालने वाला हूँ। आप में से किसी को अगर मेरे साथ ज्वाइन करना है तो मुझे बता देना, आपके भी वीडियो डाल दूंगा मैं, क्योंकि अकेला थोड़ी सिखाने वाला हूँ। उसमें हर चीज का वीडियो, फार्मिंग कैसे करना है, कुकिंग, वेजिटेरियन लोगों को भक्त बनाने के पहले उनको क्या सिखाना है, कुकिंग, कि वो भगवान का प्रसाद खाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं सिखाया तो उसको क्या सिखाना पहले, प्रसाद, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः तं जिघृक्ष धर्मो यम नुते नेदितकलिः। इसमें मैं ये भी सिखाने वाला हूँ कि जैसे वास्तु शांति कैसे करनी है, गर्भधान संस्कार कैसे करना है, पुंसावन व्रत कैसे करना है, नामकरण कैसे करना है, उपनयन कैसे करना है, और में लेखनी का संस्कार होता है, शिक्षा, ये सब की वीडियो। और उसके आपको टीचर टीचर बनना है, क्योंकि कितने लोगों के घर में जाने वाला, मुझे इतना कॉल आ रहा है, मैं नहीं जा सकता, तो इसलिए वे लोगों को एम्पावर करो, आप जाओ। इतने लोगों के घर में कहाँ से जाएंगे, एनर्जी लिमिटेड है। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, अब तुम किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो, किंतु छल के फूलने फलने वाला यह कलह रूप उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। ऐसे परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, ठीक है। नंबर 6 नंबर, परीक्षित
बढ़िया, 6 नंबर माता जी, बढ़िया। आपका नाम उच्चारण मेरे को मुश्किल जाता है, क्या है? आशिमा मदान प्रभु जी लिखा हुआ है। आपका आवाज बहुत कम है। हाँ एक मिनट प्रभु जी, वो मैंने स्पीकर चालू किया, उसको ऑफ करूं, वो एक्चुअली इधर से गया तो आएगा शायद। ठीक है, तब एक तो दूसरी मिनट ड्यूटी को बोल दो। अर्क क्षेत्र में आप करो, अर्क क्षेत्र में वो। अरे भाई नीचे क्यों झुके हैं, गायब हो गए। अर्क क्षेत्र में वो कहाँ गया रहे? करो प्रभु जी। नहीं रुको, मैं नंबर से बुला रहा हूँ सबको। अर्क क्षेत्र में पड़ी है। हरे कृष्ण राहुल। हाँ जोर से। हाँ 25th नंबर जी। ब्लूटूथ मोड है। धर्म यस, के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए शुभकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, यथा उपवास करना। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप, नोट। इसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना अन्य कोई। श्रीमद् भगवद गीता 17:5-6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह श्री भगवान के यशगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यही एक स्पष्ट कारण है कि ऐसी सभ्यता में मनुष्यों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतः सुसज्ज हों। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गई, द्वापर में वे आधे हुए और इस कलयुग में मात्र 1/4 रह गए हैं। और जिस प्रकार असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है और अत्यधिक लत या नशे से दया भी नष्ट होती है और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। उपवास किस लिए करना है? भगवान की प्राप्ति के लिए, बाकी कोई अन्य कारण के लिए उपवास करना नहीं है। इसलिए हम कभी भी भक्तों को ऐसा सलाह नहीं देते कि आप 40 दिन उपवास करो। बॉडी टॉर्चर करने से परमात्मा दुखी होता है। हमें बॉडी को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, कि अंदर की जो परमात्मा है उनको दुखी नहीं करना। इसलिए हम इतना उपवास करते जिससे हमारा भक्ति ठीक से हो, हमारा श्रवणम कीर्तनम ठीक से रहते। अगर श्रवणम कीर्तन में बाधा आ जाए तो उपवास क्या है, वो तमोगुण में है। किसमें है? जैसे अब निर्जला कर रहे हो, लेकिन कुछ उग्र कर्म करना चाहते हो, ताकि कैसे तो कैसे खाने से बचे, कुछ चैंटिंग नहीं, कुछ रीडिंग नहीं, वो जो उपवास है उग्र कर्म है। क्या है? कुछ यम च भूमिर् भगवता न्यासिकोरुभरा सति श्रीमद्भस्त न्यासे सर्वता कृत कौतुका। 6 नंबर माता जी अभी पढ़िया। आपका भी ठीक हो गया ना? माता जी का वीडियो आपकी हो गया। हाँ पढ़िए, पढ़ने वाले हैं। बाबा क्या समय बर्बाद हो रहा है। इसके बाद किसने पूछा था पढ़ना था?
18 नंबर, बड़े बाकी लोग अपना नंबर दीजिए ना प्लीज। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही थी एक्चुअली, आ रही है हाँ आपको? पढ़िए, हाँ पढ़िए प्लीज। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अभी नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे हम। शोचत्यस्त्र कला साध्वी दुर्भगे वो अर्जिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। अब कंटिन्यू कीजिए। नेम में हाँ डालना है। नहीं, हाँ पढ़िए। वो मैंने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया था, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ ठीक। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने क्या नेत्रों में अश्रु मल नहीं अपने बारी क्या है बंजारा ठीक है पढ़िए पढ़िए। नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के स्वांग बनाने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, क्षत्रिय राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित निम्न जाति के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न जाति के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत या वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह ना करके अपनी तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की अर्थात मनुष्य तथा पशुओं की दयनीय दशा देखकर चिल्लाती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक भिक्षा बनाकर अत्याचार, घूस, चोरबाजी, चोर बाजारी आदि के मलिन वातावरण को हटाया जा सकेगा। भिक्षा क्या है प्रभु जी? भिक्षा लिखा है ना, विधि पूर्वक भिक्षा बनाकर, हाँ विज्ञ मतलब ज्ञानी, विज्ञ ज्ञानी। ज्ञानी ओके है। उनको ये बताना है कि आपको कैसे इससे दूर रहना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये ना कि ना प्रकार है ना, हमें लोगों को बताना है कि सत्य प्रभु जी, क्या है। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? आ रही है प्रभु जी, हो आवाज बोलो, नहीं रहे आ रहे प्रभु एक मिनट कुछ। जी, आ रही है। माता जी आपका कनेक्शन पुअर होगा। हरे कृष्ण अभी आ रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों आ को रही आ रही किसको है प्रभु नहीं आ रही? जी, आप मेन स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हो। ये माधुरी कृपा माता जी को स्पॉटलाइट किया है, प्लीज वो रिमूव करेंगे? मैंने तो किया ही नहीं है। नहीं, आप ही दिख रहे हैं प्रभु जी, हम एक मिनट कर मेरे रहा हूँ। स्क्रीन पे। हाँ ठीक जी, है, अभी अभी आप दिख रहे। आवाज क्लियर है सबको? यस प्रभु जी, हाँ ठीक है। आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ ठीक है। हाँ तो एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, हर एक आवाज आ पॉडकास्ट नहीं रही। किसको नहीं आ रहा आवाज? वो माता जी माता जी आपका मंदिर कनेक्शन चेक कीजिए। कौन है? ठीक है, उनको मदद करना पड़ेगा हमें, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन है ना, ज्यादा गुस्सा नहीं हमें। कौन है माता जी? हो क्या उनके बेचारे को कोई मदद करने के लिए है कि नहीं पता नहीं। कहाँ है माता जी, मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? कौन है, कौन से माता जी को आवाज नहीं आ रही? बोल, कोई बोल सकता है किसको आवाज नहीं आ रहा शायद प्रफुल्ल सेविनी माता जी, प्रफुल्ल सेविनी है? माता जी शायद उनको माता जी नहीं आ रही आपको है। आवाज नहीं आ रहा? आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बड़ा छोटा बच्चा है जिसको नेट का नॉलेज है? हमें जो सीनियर सिटीजन का हमेशा ख्याल करना चाहिए, तो हमारे क्लास में भी हमको उनको ख्याल करना चाहिए, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा हमारे। वही उनको मदद कर सकता है? उनके आजूबाजू में कोई रहता है क्या आप में से? हाँ कोई रहता है? नहीं, तो मैं सबको अनम्यूट करने का
अनम्यूट कर सकते हैं आप। उसको पता है माता जी कौन है? इसको पता है क्या? कहाँ से है? नगर से है? कहाँ से है? किसी को भी पता नहीं क्या? प्रफुल्ल मुखी पुष्पावती माता जी कहाँ से है? किसी को ये अहमदनगर की हैं प्रभु जी। तो कौन उनका कोई फ्रेंड नहीं है? हाँ से माता जी? हम तो गुड़गांव में बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलो ना, ये कौन बोल रहा है? प्रभु जी उनको माता जी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वो वापस जुड़ जाएंगी तो आवाज आ जाएगी। डिस्कनेक्ट कर दूंगा, बेचारे परेशान नहीं होने से। कैसे नहीं फिर से आ जाएंगी वो। करना है उनको डिस्कनेक्ट? मतलब रिमूव कर दूं क्या? रूम में डाल दूं? नहीं, हाँ, फिर से वो आ जाएंगे ज्वाइन करके। मतलब रिमूव करने से उनको, ठीक है रिमूव कर देता हूँ। रिमूव है, रिपोर्ट नहीं करना है बाबा, मैं तो जूम उनको प्रॉब्लम कर देगा। प्रभु जी रिमूव अगर किया तो फिर से ज्वाइन होने के लिए तकलीफ होता है। अयोध्या से है ऑब्जर्व ना, अभी तो मैं, मुझे पता है। नहीं करना चाहिए तो एटलीस्ट शी विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन इफ यू तो शी नीड टू टेक केयर। वहीं पे उन्होंने कॉल उत्तर करो ना, कोई आप में से कोई कॉल करके बता दो, ठीक है? क्योंकि ओके ठीक है। रिमूव करने से क्या होता है, वो जूम वाला प्रॉब्लम करता है। देखो माता जी को बताने वाला कोई नहीं, क्या आ गए कोई तो यंग? अभी बता दो उनको, प्रफुल्ल की माता जी, आपका आवाज आ रहा है कि नहीं? आपके पीछे कौन दिख रहा है? आपके घर वाले है क्या वो? अरे बोल, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रफुल्ल मुखी माता जी के घर वाले कौन है बाबा? सीधे दिख भी नहीं रहे लोग। अभी उनको जरा डांटने वाला कि आप ऐसा कैसा हमको छोड़ सकते हो? हाँ ठीक है, हाँ आ रहा होगा आवाज। शी माइट नॉट हैव टॉक्ड, अभी तो फिर से आया तो बोले देखिए। पतितं पावो आवाज हेय। जीतने प्रभु जी, आवाज नहीं आता। कौन बोल रहे हैं? कहाँ गए वो लोग? अभी सडनली दिख नहीं रहे मुझे, कहाँ गए वो? हाँ आवाज जितने का तुम्हारा। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। तो हरे उनका टेलीफोन नंबर किसके पास है? आप में से किसी के पास है क्या? हरी बोल। कृष्णा, राजेश बाबू आपको उसी का अरे टेलीफोन नंबर है क्या? राजेश कृष्णा, बाबू प्रफुल्ल आपके पास उनका टेलीफोन नंबर है क्या? मुखी दोपटे माता जी ना, मैं देखता हूँ मेरे पास नंबर सबका। आई आप जस्ट में से कोई डायल। जानता है तो उनको कॉल करके बता दो कि आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो। ठीक ठीक है ठीक है। प्रफुल्ल मुखी दोपटे माता जी, मैं चेक करता हूँ 1 सेकंड। प्रभु है, नगर से कोई और व्यक्ति नहीं है यहाँ पे? जी नगर से नहीं है वो माता जी, मेरे को पूरा गारंटी है। Somebody has said it, but she is not from Nagar. I am 110% sure. ठीक है She might be from Kolhapur. I really don't know. ठीक है, आप प्लीज उनको कॉल करो ना। ठीक है, शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक मुस्कराने लगे क्योंकि वे दीनवत्सल जो थे। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए? जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों का सदैव सदैव थे, वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सच सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि उस तीव्र धारक तो तलवार से वे जिस व्यक्ति का वध कर देते थे, उसे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बच जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित की यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे, तो अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस प्रकार देवी इच्छा से कली बच गया। लेकिन कली बच गया तो परीक्षित को बहुत टेंशन है। परीक्षित सोच रहा है कि भाई गाय और बैल को मारने वाले, नहीं हरे कृष्ण, 28 श्लोक नहीं हुआ था ना? हुआ है क्या? होल्ड ऑन। नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, मैं एकदम कहाँ पे एक पहुंच पेज गया? टर्न हो, एक इति पेज परम टर्न हो महिम गया। चैव सांत्वयित्वा महारथः निशात्मा महादादे खड्गम कलये धर्महेतवे। इस प्रकार एक साथ 1,000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण
साक्षात कली को मारने हैं तो अपनी तेज तलवार निकाल। जय परीक्षित महाराज की जय। तो अभी कौन इसको धार धार से पढ़ेगा, है ना? जगदीश हरमन प्रभु पढ़िए, हेमराम प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित हाँ समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्युक्त रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें, और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्युदंड तक देने से न हिचके कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। हरे कृष्ण भगवान। वाह। तो देखो, लेकिन अभी हम ऐसा दंड नहीं दे सकते किसी को भी। राजेश, वो आपने उनसे कॉल करके बता दिया क्या? हाँ, तो अभी जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उन्होंने लॉग आउट किया और वो भगवान हरे कृष्णा, हाँ ठीक उनका है, मैंने उनको प्रॉब्लम म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया है। सॉल्व हो गया। मैं अभी आपको वही मैसेज डाल रहा था। ठीक हाँ है, ठीक है, आया माता जी। प्रफुल्ल मुखी माता जी, आपका आवाज आ रहा है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक मुझे आ रहा है, आ रहा है प्रभु जी, है, हरे कृष्ण। आ रहे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो अभी देखो, मतलब दारू की दुकान, स्लॉटर हाउस क्यों खुल रहा है? क्योंकि लोग चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड लगाया मूवी के ऊपर, लेकिन फिर भी फालतू मूवी मार्केट में क्यों आ रही है? क्योंकि लोग चाहते हैं ना। तो इसलिए तुम कितना कंट्रोल कर रहे हो, लोगों को चेंज करना है। और वो है भागवतम, कि आप कितना भी मूवी देखोगे तो भी आपका हृदय तृप्त तो होने नहीं वाला है, काम वासना तृप्त तो होने नहीं वाली है। वो केवल भागवत पढ़ से होंगी, और भगवान का कीर्तन सुनने से, वैष्णव भजन सुनने से। कभी कोई वैष्णव भजन सुन रहा है? बढ़िया, वैष्णव भजन सुन के बोलने का ऐसा 1-1 घंटा 2-2 घंटा भजन संध्या होना चाहिए, तब हार्ट की सब इच्छा पूरी हो जाती है। केवल कभी कभी जैसे फिलोसफी से भी नहीं हुआ, आपको भजन लेना पड़ेगा, या भगवान की मधुर लीला है, या भगवान की जो शौर्य की कथा है, सुनना बहुत जरूरी है। कोई जो अच्छा डिवोटी उसको बता रहा है ड्रामेटिक वैसे, कि कैसे भगवान परशुराम आए, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, तो फिर हृदय एकदम क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, तृप्त होता है। ये सब इच्छा है क्यों है? इलिसिट सेक्स करने की, नए नए कपड़े पहनने की, मूवी देखने की, ज्यादा पैसे की इच्छा क्यों है? क्योंकि तृप्त नहीं हो रहा उसको, भगवान की, भगवान प्राप्त होने के बाद सब इच्छा नष्ट हो जाती है। तो इसलिए लोग यार, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कथा को फैलाना बहुत जरूरी है। सिंपल इनफॉर्मल आओ, लोगों को गैदर करो, हरि कथा हरि करो। तम जिगान सुमभि प्रेत्या विहाय नृपलां शरणं तम तत्पादमूलं जगान समगाद भय विमुक्त। सुमभि अभी मैं जगदीशों को मेरे साथ लेके जाने वाला हूँ प्रोग्राम में, और उस सोसाइटी उनको हैंडल करने वाला हूँ। बस हाँ, भाभी वहाँ के आचार्य लेक्चर दो, कौंसिल बनाओ, गुरु बन जाओ, बस उनका ख्याल करो, वो तुम्हारे केयर में। कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजसी वेश उपयुक्त तो होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी, ठीक है जगदीश को पढ़ो, सॉरी मैं आपको पढ़ने दो। हरे कृष्ण प्रभु। कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राजा या के लिए राजसी वेश नियुक्त होता है,
किंतु निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनाओ कि नहीं। आवाज कम आ रहा थोड़ा आपका। हरे कृष्णा। कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजसी वेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो जाती है। वास्तविक क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपने प्रतिद्वंद्वी क्षत्रिय के ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब वास्तविक क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजसी वेश उतार दिया। तो महाराज परीक्षित जैसे लोग उसको पहचान सकते हैं और उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। हाँ, जब भगवान के भक्त आ जाते सूर्य के समान तो सब लोग जो जुगनू में भाग जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने चैलेंज किसको किया? कली को चैलेंज किया। कली के कैपिटल में जाके कलयुग को हटाया। जो इसलिए प्रभुपाद की है, प्रभुपाद परीक्षित महाराज के फॉलोअर है ना। कली के कैपिटल में एक बार प्रभुपाद जी मंदिर में थे, एक प्रेसिडेंट आके बोलते हैं, प्रभुपाद हमारे टेम्पल को बेच दिया एक व्यक्ति ने। फिर दूसरा एक प्रेसिडेंट आता, प्रभुपाद हमारा एक डिवोटी एक माता के साथ भाग गया। तीसरा आता, प्रभुपाद हमारे ऊपर कॉलोनी वालों ने पूरा बंद करने को लगा है, हमारे खिलाफ केस लाया। ऐसे 10 लोगों ने 10 कंप्लेन किया। प्रभुपाद जी एक रूम में गए, रूम बंद से बंद कर दिए। आधे घंटे तक कोई बाहर नहीं है। प्रभुपाद किसी ने ऐसा देखा तो प्रभुपाद हंस रहे थे अंदर। फिर आधे घंटा प्रभुपाद जी बाहर आए तो बोले, प्रभुपाद प्रश्न पूछो क्या? आप अंदर हंस क्यों रहे थे? बोले, मैं हंस रहा था कि कली मुझे परेशान करने का प्रयास कर रहा है, मुझे अमेरिका से भगाने के लिए इतना निराश कर, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। जय श्री प्रभुपाद की। तो जब हम भक्ति करें तो कुछ संकट आए तो डरो मत। हो कली क्या करना चाहता है कि आपके हाथ से माला और आपसे सत्संग छुड़ाना चाहता है, वो छोड़ना नहीं है। कितना भी आपके माइंड में पाप होने दो, कोई इशू नहीं। माइंड आपको बोलेंगे, अरे तू काहे का डिवोटी, तू फालतू है, ये काम कर रहा है, छोड़ दे। ठीक है ठीक है ठीक है, बोल के वापस सत्संग में चला जाने। बोलना कली को कि ठीक है, एक बार सत्संग जाने बाद देखते क्या होता है। सत्संग में आपका सत्संग रुक गया तो कली जीत गया। इवन किसी का चैंटिंग भी छूट सकता है। कोई सपोज 10-15 साल से चैंटिंग कर रहा है, उसका चैंटिंग भी छूट जाएगा। लक्ष्य इतना ये मत कीजिए कि किसी भक्त का चैंटिंग छूट गया, प्रभु जी ये भक्त फालतू है, नरक में जाना चैंट, ऐसा मत सोचना। उसको वापस कैसे लाया जा सकता है? सत्संग में लाया उसको वापस आएंगे। ज्यादा अपने चैंटिंग पे फेत मत करो, है ना। तो ऐसे केसेस को हैंडल करना चाहिए। आपको नहीं आता है तो मत करो, लेकिन ऐसे होता है। कोई व्यक्ति चैंटिंग के बाद भी चैंटिंग छोड़ देता है, इनिशिएशन के बाद भी। इनिशिएशन के बाद भी 4 नियम टूट सकते हैं किसी से। आपको समय नहीं तोड़ने, लेकिन उसने 15-20 साल तक चैंटिंग किया है, फिर एक आधा टूटा तो उसको वापस लाना हमारा बहुत काम होता है, वापस आएगा। ठीक है, उसको भगवान अलग से हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं? भगवान के अंडर होता है, डायरेक्टली इसके अंडर था वो, जिससे 15 साल तक चैंटिंग किया, गुरु का सेवा किया है। उसके हाथ से कुछ मिस्टेक हो गई, वो किसके हाथ में डायरेक्ट डील किया जाता है? भगवान। ऐसा अभी जो नेक्स्ट श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 30 श्लोक, 36 पढ़िए, 36 श्लोक संख्या 30। चरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव है। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे
उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसीलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदयता का गुणगान किया जाता है। वे सदय तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह दैवी इच्छा से कली बच गया। हरे कृष्ण। राज उवाच नते घुड़ा केश यशोधराना बद्धांचले वे भयस्मति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तमधर्म बंधु। कहाँ गए हमारे प्रभु जी? द्वैपायन प्रभु कहाँ है? पढ़िए द्वैपायन प्रभु, डॉक्टर द्वैपायन व्यास प्रभु है क्या आप? हाँ पढ़िए प्रभु। हाँ प्रभु, राजा ने इस प्रकार कहा। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य जगत सृष्टि परवाद द्वारा सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन ये उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। ये चाहते थे कि संसार में महाराजा युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करे। अतः महाराजा परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में धर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। धर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। अधर्म के मित्र तो हमारे मन में बैठे, तो उसको राज्य से कहाँ से निकाल देंगे? हमको ही जाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें उनको भागवत देना है। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फालतू मैगजीन पढ़ते हैं, ऑनलाइन में वीडियो देखते रहते हैं, कुछ भी। तो इसलिए हमें उसको आध्यात्मिक चीज़ों से फ्लर्ट करना है। भक्ति सिद्धांत छोटा को बोलते कि मैं हर मिनट में एक पेपर निकालूंगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर मिनट में अनलिमिटेड न्यूज है। उन्होंने इतना न्यूज पेपर निकाला था हर दिन, बाद में हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में। तो एक आदमी बोला, अरे आप इतना न्यूज पेपर कैसे निकाल सकते हो? तो वो बोले, अरे भौतिकवादी लोगों के पास कुछ न्यूज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मार्केट में कितने न्यूज पेपर है? सेम न्यूज छापते रहते हो लोग, सेम न्यूज छापते इतने मार्केट में। तो फिर हमारे यहाँ तो इतनी लीला है कि शंकरशन बोल नहीं पा रहे, तो मैं क्यों नहीं छाप सकता हूँ? मैं तो हर सेकंड में अनलिमिटेड न्यूज पेपर छाप सकता हूँ। भौतिकवादी लोगों के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी वो न्यूज पेपर इतना छापते रहते हैं, है ना? तो हमें ऐसा करना चाहिए, सभी भक्तों को लिखना चाहिए प्रभुपाद की इच्छा। सभी भक्त लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो कि कैसे हमारी भक्ति हो रही है, भक्ति कैसे है। हाँ, प्रभुपाद के प्रति अन्याय नहीं, ऐसा नहीं। हमारा फाउंडेशन तो प्रभुपाद की पुस्तक, लेकिन वहां तक लाने के लिए हमें हर दिन इतना। तो प्रभुपाद जी ने BTG चालू किया है, बैक टू गॉड, की प्रभुपाद ने बोला कि भक्तों को लिखने को लगाओ, ज्यादा किताब से मत छापो उसमें। जब उनके जो डिसाइपल किताब से निकले थे, प्रभुपाद ने नहीं, भक्तों को लिखने को बोलो। किसको? भक्तों। इसलिए मुझे BTG बहुत अच्छा लगता, क्योंकि BTG क्या होता है, हर दिन हर महीने को नया चीज आता, तो लोग अरे कुछ तो पढ़ने को मिलेगा अच्छा, क्योंकि भक्ति लाइव है, भक्ति डेड नहीं है, है ना? तो BTG के द्वारा, बैक टू गॉड मैगजीन के द्वारा बहुत प्रीचिंग कर सकते। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेश अनुत्तरतो यम धर्म पूगः लोभो न तम चौर्य मनार्य मन्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। सेवन मुखी माता जी पढ़ पाऊंगी? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण।
यदि कली रूपी धर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि सर्व धर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन ना करना पड़े। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़ियां हैं ना ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्म निरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। अरे विज्ञापन में कौन जो पैसा दे के डालता वो आता है, आपके हाथ में थोड़ी, आपको क्या लगा रहा है। मतलब इतनी चीटिंग फैल चुकी है ना, हम सोच नहीं सकते। ऐसे भगवान का आश्रय लेना और भगवत का आश्रय लेना ही पॉसिबल है, हम क्या क्या फाइट करते बैठेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को प्रार्थना भगवत का प्रचार करें तो भगवान देख लेंगे। हाँ, जो जो लोग भगवत के टच में आ रहे हैं एटलीस्ट उनका हार्ट बदल रहा है, जो भगवान के भक्तों के टच में आ रहे हैं एटलीस्ट उनका हार्ट बदल रहा है। वो खुद भी पाप करेगा नहीं और किसी को करने से भी वो रोकेगा। बाकी ये सब चीजें से मतलब आपका समय नष्ट होने वाला है, इसलिए अभी मैं पुणे में जर्नलिस्ट को ही प्रीचिंग कर रहा हूँ। ये जितने भी जर्नलिस्ट सब लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, धर्म के खिलाफ ही उनको बोलना आता है, तो इसलिए उनके पूरे लॉबी को ही बदलना है स्टार्टिंग से। भाई ऐसा गलत है, तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वही सिखाया धर्म क्या है। मिस्टेक हमारे कि हम वहाँ तक उनको जाके सच्चा धर्म बता नहीं रहे ना। हमें जो बोला गया हिस्ट्री में वही सत्य, वो सत्य है ही नहीं ना। रियल हिस्ट्री महाभारत की है, रियल हिस्ट्री रामायण की, रियल हिस्ट्री भागवत की, वो जो दी वो सब गलत है। तो इसलिए हमारा प्रचार हमको बहुत ज्यादा करना चाहिए। यस्मिन् यस्मिन् हरिर् भगवान् यजमानः आत्ममूर्तिर्यजतां शन्तनोति कामान् मोघां तिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुर् हरे हरिवैश्य कृष्ण प्रभु आत्मा। जी, इससे पहले वाला 33rd श्लोक प्रभु पढ़ा जी तुमने। 33, हाँ 33 चल रहा है। न वर्तितव्यं तद धर्म बंधो धर्मेन सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत् यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञा। मैं तो चाहता हूँ कि जो भागवत हमको जरा और बाद में ट्रांसलेट करना चाहिए किसी भक्तों के द्वारा, मधुर हिंदी भाषा रहेंगी, है ना राजेश। आपने नहीं पढ़ा, पढ़ पाएंगे ना? हाँ मेरे पास मराठी है, चलेगा ना? अरे लेकिन बाकी लोगों को नहीं चलेगा। ठीक है पढ़िए। मैं पढ़ लूँ? मैं पढ़ मोस्टली मराठी लोग है काफी सारे। ठीक है पढ़िए। म्हणून अधर्माच्या मित्रा जेथे विद्वान लोक भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी सत्याला आणि धर्माला अनुसरून यज्ञ करीत असतात तेथे राहण्यास तू योग्य नाहीस। तात्पर्य श्रील प्रभुवाद द्वारा, श्रील प्रभुवाद की जय। यज्ञेश्वर भगवंत सर्व प्रकारच्या यज्ञांचे भोक्ते आहेत। शास्त्रांमध्ये भिन्न योगांसाठी यज्ञानुष्ठानाची भिन्न भिन्न रूपे सांगण्यात आली आहेत। यज्ञ म्हणजे भगवंताची अधिसत्ता मान्य करून भगवान संतुष्ट होतील अशी करणे योग्य होय। नास्तिकांची देवाच्या अस्तित्वावर श्रद्धा नसते,
आणि त्यामुळे भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी ते यज्ञादी काही करीत नाहीत. भगवंताची आदिसत्ता मान्य करून त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी जेथे यज्ञकर्म संपन्न होते त्या स्थानाला वा देशाला ब्रह्मावर्त असे म्हणतात. जगाच्या विविध भागामध्ये निरनिराळे देश प्रदेश असतील आणि जेथे परमेश्वराला संतुष्ट करण्यासाठी निरनिराळे यज्ञ सांगितले असतील, परंतु भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठीचे मध्यवर्ती तत्व म्हणजे सत्य होय आणि भागवतामध्ये या तत्वाचे निर्धारण करण्यात आले आहे. धर्माचे मूळ नाव सत्य हे आहे आणि सर्व धर्मांचे अंतिम उद्दिष्ट भगवंतांना प्रसन्न करणे हेच आहे. या कलियुगात सर्वश्रेष्ठ व सामान्यांना सुलभ असे यज्ञरूप म्हणजे संकीर्तन यज्ञ होय. यज्ञ प्रक्रियेच्या प्रसार कार्यातील कुशल तज्ञांचे हे मत आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या यज्ञविधीचा प्रचार केला. प्रस्तुत श्लोकावरून असे समजते की हा संकीर्तन यज्ञ कलीची हकालपट्टी करण्यासाठी व समाजाला त्याच्या प्रभावात बळी पडण्यापासून वाचवण्यासाठी कोठेही संपन्न केले जाऊ शकतो. हरे कृष्ण. बहुत अच्छा. हाँ, आपको उस बाकी जितना भी हम कर रहे हैं ना वो सही है, लेकिन अगर वो संकीर्तन से संकीर्तन उसमें नहीं है तो फिर वो काम नहीं. इसलिए जितना भी इस्कॉन में आरती होता है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र आधा होना चाहिए. मंगल आरती हो, तुलसी आरती हो, सभी आरती एक्सेप्ट नरसिंह आरती, क्योंकि समय नहीं रहता. गुरु पूजा हो, इसमें हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बहुत ही जरूरी है. संकीर्तन जैसे हम किसी के घर में गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, वास्तु शांति कर रहे हैं, कुछ भी करो आप, उसमें क्या ज्यादा चाहिए होना चाहिए, हरे कृष्ण क्यों. मैं तो ये जितना भी विधि होता है ना उसका ये तो बहाना है. क्या है बहाना है? मेन हमारा क्या है? महामंत्र यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेध से भगवान को खुश करना है. श्रीमद भागवतम में मैं पढ़ रहा था, मेरु देवी और नाभि जो भरत महाराज के पिता थे ना, नहीं, ऋषभ देव के पिता थे, वो लोग जब यज्ञ कर रहे थे प्रतिपाप्ति के लिए है, तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं उनके अंदर मेरे प्रति बहुत भक्ति थी और इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, है ना. वो जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भी होती है और इसलिए भगवान ने बोला कि मैं आपके भक्ति के द्वारा प्रसन्न हो चुका हूं और इसीलिए मैं अभी खुद उनके गर्भ में आऊंगा वृषभ देव के रूप में. ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे. तो जब आपको जब हम यज्ञ मतलब भगवान ही है तो यज्ञ करेंगे तो भी हमको हमेशा जानना चाहिए किसके लिए, भगवान के लिए. मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 30 मिनट के ऊपर तुम्हें बैठना नहीं, इसलिए मैं खड़ा हूँ. आपको भी खड़े होना तो खड़े हो सकते हैं. यस्मिन हरिर् भगवान निज्यमाना इज्जात्ममूर्तिर्यजतां शम्तनोऽपि कामान् मोघान् तिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वीर्य वीर्यायुरिशैव आत्मा. बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं. प्रिय बंधु प्रभु, आपको पढ़ना है? मैं पढ़ू प्रभु? हाँ ठीक है, पढ़िए. माता जी को पढ़ने दीजिए. हरे कृष्ण. पहले से बोल रही है. माता जी कौन? ठीक है प्रभु जी, हाँ मैं पढ़िए पढ़ू. हाँ पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु जी. समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा में है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं. इस तरह केवल वे ही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं. श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं. फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं. यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा है. भगवद गीता 9.23 में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है. ये
अत्यंत देवता भक्त यजन्ते श्रद्धया विनता ते अपि मामवे कौन्तेह यजन्त विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर आदित्य है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है, ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। हरे कृष्ण। तो अगर कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए अगर पूजा कर रहा है तो वो क्या है, वो अविधि पूर्वक है। जैसे भरत महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि इंद्र भगवान का हाथ है, चंद्र जो अश्विनी कुमार भगवान की आंखें हैं, ऐसे बोल के यज्ञ कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं मान रहा है कि देवता स्वतंत्र है और मुझे स्वतंत्र कुछ प्रदान कर रहे, तो नहीं, भगवान विष्णु की आज्ञा से वो मुझे सब कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए कोई भी यज्ञ में बोले वो कृष्णार्पण वो बोलेंगे ही बोलेंगे, कृष्णाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ऐसा बोलने को ले जाएंगे, ऐसा है। लेकिन वैष्णव को क्या काम है, सर्व काम हुआ मोक्ष काम होता है, तीव्रण भक्ति योग्य है जब तक पुरुष परम, ठीक है आपकी इच्छा भी है तो भगवान की भक्ति करो, भौतिक इच्छा तो भगवान की इच्छा कर लेंगे, भगवान पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, जो जो उसकी भक्ति के लिए है वो सब भगवान करते हैं। कभी कभी हमारी भी भौतिक इच्छा भगवान पूरी करते हैं, लेकिन भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते हैं समय ऐसा आपको सिखाएंगे ना सबक कि वो व्यक्ति बोलता है क्यों मैंने इच्छा किया है ना, मुझे नहीं चाहिए, तो भगवान का एक फायदा है कि वो देंगे आपको, आप में से सभी लोगों को अनुभव रहेगा, एक आधी डिजायर आपकी पूरी नहीं होती, आप बार बार हरे कृष्ण करते हैं चैंटिंग करेंगे, डिजायर पूरी होती है, लेकिन वो लगता है कुछ फायदा नहीं है ना, ऐसा होता है बहुत लोगों के पास। फिर आदमी सोचता है मैं क्यों भगवान का समय बर्बाद करके मेरा समय बर्बाद किया, ऐसा खुद आदमी खुद को डांटता है। अगर आप में से किसी को वीडियो ऑफ करके ब्रेक लेना है तो ले लो, क्योंकि 4 बजे तक हम करेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपको अगर वीडियो ऑफ करके पानी पीना है तो जा सकते हो। सूत हुआ अच्छा, परीक्षित एवा मदिष्ट सकलिर्जात वेपतुः तमुत्यातासि समाहेदं दंडपानिं किबोध्यतम्। अभी आप पढ़ी प्रभु जी, इसके पहले जो बोला था ना प्रिय बंदी प्रभु। हरे कृष्ण मुझे सादर प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थर थर कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जय श्रील प्रभुपाद की जय। राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके, राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। हरे कृष्णा। अभी तो उल्टा है, लोग बोलते हैं अरे खून कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई जेल में जाता नहीं, ऐसी सिचुएशन है। लोग तो डरते नहीं, हम भक्त डरते, लेकिन बाहर के लोग उनको पता कितना भी खून दिया कैसे बाहर जाना,
मूर्खों को यह पता नहीं है कि ऊपर के यमराज की शिक्षा से बचेगा नहीं। यहाँ पे वो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, लेकिन ऊपर से बचेगा नहीं है। हम क्यों डरते? क्योंकि हमको पता है कि ऊपर वाली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो ज्यादा इल्यूजन में। कलि उवाच यत्र क्ववात वत्स्यामि सार्वभौमत्ववादिनः लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु शरासनम्। संदीप प्रभु पढ़िए 49। हरे कृष्ण। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतः वो चाहे जहां कहीं भी रहेगा, उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो वो राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वो राजा के हाथों में था। अरे कली को समझ गया उनकी शक्ति क्या है, इसलिए शरणागति ले ली उसने। तन्मे धर्म भूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्दिष्टम् अर्हसि यत्र नियतो वस्य आतिष्ठस्तेनुशासनम्। माद्रिक पर माताजी पढ़े आप। हरे कृष्णा, हाँ मराठी पढ़ो प्रभु। नहीं, एक रुको, उनको बोला मैंने, उनको समझ में। हाँ पढ़ने हरे कृष्ण। दो। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी को। कभी मैं इसको कभी देख अगला रहा श्लोक था कि पढ़िए, महाराज, अगला श्लोक 37। सॉरी प्रभु, जब हे दानवों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों मेरे सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान करने की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह संरक्षण प्रदान करते रहेंगे जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं। भगवद गीता 17.66। तो हुआ। अच्छा, तो वो बोले कि मुझे कुछ स्थान दीजिए। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं बाणं त्रया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। कौन बचा है अभी? आदित्य सूत्र वो पढ़ सकते हैं आप? हाँ कृष्ण, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है। कली को जिन चार स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे है दूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा पशुवध केंद्र। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान तथा सौत्रामणि यज्ञ मणि बिना विवाह के
श्रीयो की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तो अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तो अर्थात जो भवबंधन से मुक्त है उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश है। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश है। वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी है और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि है उन्हें सोना मणि यज्ञ करके सुरापान करने विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस ग्रहण करने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी प्रकार जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों के संस्तुतियों को भी अधर्म नहीं मानना चाहिए। लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में संस्तुतियां ऐसे अधर्म के लिए बढ़ावा देने हेतु नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने निमित्त है। बस 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 एक मिनट। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है कि कुछ लोगों के लिए वो मांस करने खाने के लिए परमिशन दी है, शास्त्र ने मदिरापान करने के लिए परमिशन दी है, बराबर है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। ऐसा गोपा जी ने इसके पहले भी बोला कि कभी कभी लोग इतना भोग करते कि भाव भोग कर कर करके उसका मन हट जाता है उससे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है, जो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में, उसको 1st स्टैंडर्ड में क्यों जाना है? उसके लिए तो अदब पता है। जो 1st स्टैंडर्ड है, जो -1 में, उसको फुल स्टैंडर्ड में जाना है। तो इसलिए वन मैंस फूड इज अ पॉइजन फॉर अदर पर्सन। तो इसलिए शास्त्र में अनेक उपदेश दिए। इसलिए हमें कौन चाहिए? एक सदगुरु चाहिए जो हमें बता सकता है। जीवित सदगुरु बहुत जरूरी होता है, है ना? क्योंकि शास्त्र अल्टीमेटली गुरु नहीं बन पाएंगे, तो शास्त्र को पढ़ के परंपरा में आके कहाँ पे किसको बोलना है वो कौन बता सकता है? भागवत भक्त भागवत, है ना? पुस्तक भागवत में रेफरेंस है, लेकिन भक्त भागवत उसको बता सकता है कि आपके लिए ऐसा नहीं है। इसलिए गुरु हमेशा जरूरी है। तभी उसमें आगे क्या क्या दिया, डिटेल प्रभुपाद जी बोलते हैं एक मास में कब खाना चाहिए क्या नहीं, वो सब आपको पढ़ सकते हो। विवाह कब होना चाहिए, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए उनका अनिर्यात विवाह होना चाहिए। यदि लड़का लड़कों का वैध विवाह हो चुका है तो स्कूलों तथा कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा एक स्टूडेंट था राजस्थान का, इंजीनियरिंग में 1st ईयर में था, लेकिन उसका शादी हो चुका था। बढ़िया, उसने अपना अपना इंजीनियरिंग पूरा किया, IIT में गया, गवर्नमेंट का जॉब है, क्योंकि वो स्टेबल था, उसका मैरिज हो चुका है, उसको पता है मुझे इधर देखना ही नहीं भाई, बस मैरिज हो चुका है मेरा। तो पहले जो बाल विवाह गलत नहीं था, हमें पहला संस्कृति पता होना चाहिए। बाल विवाह में क्या है कि मैरिज हो गया लेकिन वो लड़का लड़की अलग रहते थे, और जब वो लड़की गर्भवती बनने के लिए कैपेबल है या मैच्योर है तभी उसको पति के साथ घर में भेजा जाता है, प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ, तब तक नहीं भेजा जाता। ऑफकोर्स अभी तो हम 18 साल के नीचे तो शादी नहीं कर सकते,
इसलिए मैं तो बोला ठीक है 18 साल जैसे हो गए शादी कर लो, उसको सीखने को मना मत करो, तो सीख लेकिन शादी कर लो पहले, एटलीस्ट फिक्स कर दो और अपने घर में रखो और लड़के का, फिर अच्छे समाज का निर्माण होगा, नहीं तो पूरा वर्ण संकर है और कुछ। पुनश्च याचमानाय जातर रूपम अदात प्रभु ततोनुतम मदं कामम रजो वैरम च पंचमम। अभी कौन नहीं पढ़ा? सुकलिनी देवी दासी माता जी पढ़ सकते हैं क्या? सुकलिनी आपको कोई इशू नहीं है ना पढ़ने में? पढ़े प्रभु जी, ये लाइन लिखा है तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, ये कैसे है? मतलब इसको मिटा दे ये। बराबर है ना, तलाक से वैश्यवृत्ति को क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई वो हमेशा लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनको पता है बस, कुछ इसमें अपवाद नहीं है लेकिन मैक्सिमम। इसलिए आप पहले से मैरिज करने के पहले सोच समझ के करो ना। जस्ट लव एट फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड ब्रेक इट, वो काम का नहीं। आप बहुत सोच समझ के विवाह करो, विवाह कोई बच्चे का खेल थोड़ी है कि आज खेला बाद में तोड़ दिया। अभी तो आजकल वैसे हो रहा है, हाँ शादी करेंगे बाद में तोड़ेंगे, अब दूसरी जाते, वो अच्छा नहीं है। शास्त्र में तो ऐसा कठिन दिया है कि अगर आपने विवाह के तलाक हुआ तो दूसरी शादी कर नहीं सकते आप, लेकिन अभी ऐसे नियम तो लगा नहीं सकते कलयुग में, है ना? कलयुग में ऐसे नियम लगाए तो सबकी किसी की शादी नहीं होगी। ऐसा तो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हो वो बराबर है, विवाह विच्छेद अभी नियमों से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो उनको इच्छा रहती है ना, और वो तृप्ति के लिए कुछ भी मार्ग वाला अवलंबन सकते, तो इसलिए ठीक है एटलीस्ट शादी कर लो प्रॉपरली, ऐसा खाली मत रहो। इधर ब्रह्मचारी टेम्पल में रहो या शादी कर लो, ब्रह्मस्थ तो बहुत रिस्की होता है जो मिडल में, सिमिलरली स्त्रियों को भी, उनको मैरिज करना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी। ठीक है, माता जी कहाँ गई? दो हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, माझ्याकडे मराठी तहे वाचू का? मिनट, जिनका प्रश्न था वो माता जी कहाँ है? हाँ जी जी प्रभु क्लियर जी, थैंक यू। हो गया ना, तो लोग कम हो गया लगता है, दिख नहीं रहा। तो आपको हमें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, किसी भक्त का डाइवोर्स हो गया है, प्रभु जी ने ऐसा बोला था, प्रभुपाद ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं, केस टू केस क्या है ये, क्योंकि कलयुग में ऐसे, अभी गुरु ने खुद एक उनके शिष्य को बोला तुम डाइवर्स ले अपने पति से, मैंने कल बोला था ना पति बहुत मारता था, सीआईडी था, तो फिर वो थोड़ी गुरु बोल रहे वैश्यावृत्ति करो, केस टू केस है ये, क्या है केस टू केस है। इससे बेस्ट क्या है कि डाइवोर्स के कारण क्या है उसको जान लेना चाहिए, हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए डाइवोर्स के कारण क्या है, हर एक स्त्री पुरुष होता है उनका लेवल अलग होता है, इसलिए शास्त्रों के नियम उनके लिए अलग होते हैं, जो शास्त्र में दिए टॉप ब्राह्मण के नियम सबको लागू होते नहीं है। एटलीस्ट एक व्यक्ति शादी कर रहा है तो वो धर्म का पालन कर रहा है, जो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन दिया वो फैमिली टू फैमिली मैटर करता है, आपको इसलिए पर्सनल गाइडेंस का आवश्यकता, जनरलाइज इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि प्रभु जी हम कैसे रहे, हम किस लेवल के नियम का पालन करें, शास्त्र में ऐसा दिया है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये जो गाइडेंस होता है ये अधर्म नहीं होता, धर्म होता है, लेकिन चोरी छुपे करने वो अधर्म होता है। ठीक है, तो हमें इसको हमें डाइवर्स क्यों और उसके कारण जानने चाहिए, इसको में भी बहुत डाइवर्स हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इमेच्योर गाइडेंस टू द फैमिली पीपल, उसके कारण इसको में डाइवर्स हो रहा है, आपके सामने भी है, तो इसलिए विवाह के बारे में बहुत नॉलेज चाहिए और उनको बहुत अच्छे से गाइड करना है, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, तो मैक्सिमम ड्यूटी के बच्चे चैंटिंग नहीं करना चाहते मिस्टेक्स के कारण, मैं बहुत लोगों को मिला हूँ। ठीक है, जी प्रभु जी, मराठी में मत पढ़ो, हिंदी में हमको चाहिए। ठीक है, सुनीता माता जी पढ़ी हिंदी में, हाथ ऊपर किया, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी मुझे प्रश्न था आगे ये। हाँ, अपन ये अभी आपने बोला ना वर्ण संकर होता है वह, ऐसे तो मुझे ऐसा बार बार प्रश्न आता है कि अपन अभी जो
भक्त में कभी कभी ऐसे करते विवाह हो जाता है तो अभी बोलते डायवर्स होता है, फिर बाद में वो कभी कभी बच्चे भी अपने भक्त नहीं बन सकते, ऐसा भी हो सकता है तो फिर वो वर्ण संकर हो जाता है। नहीं समझा नहीं, मैंने क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझा, अभी अपन क्वेश्चन क्या है? कि वो का समाज में मराठी वर्ण में विचारा, मराठी में विचारा, मराठी हाँ? में विचारा, मराठी में विचारा। तर अपन वर्ण संकर म्हटलं है ना कि वे कधी कधी वेगळे वेगळे समाज एकत्र येऊन लग्न होत होते, वो वर्ण संकर होतं ना। नहीं, तसं नाही इथे। हाँ वेगळ्या जेव्हा दोन देवतींनी सपोज त्यांचा वेगळी कास्ट आहे, परंतु हाँ त्यांचं स्टँडर्ड एकच आहे, हाँ हाँ गुरुची आज्ञा आहे, त्यांचे फॅमिली वाल्यांनी पण मान्यता दिली, तर तो वर्ण मुझे संकर। आंसर हिंदी में दीजिए ना, हमें भी पता हाँ चले। देखिए, जैसे प्रपद के शिष्यों ने उनके शिष्यों के मैरिज लगाए, वो वर्ण संकर थोड़ी है। हाँ हाँ वर्ण हाँ संकर और दूसरा क्या होता है, हम मैरिज में जैसे कोई महाराष्ट्र का ब्राह्मण, वो सपोज यूपी के ब्राह्मण के साथ शादी करता है, तो भले वो ब्राह्मण लेकिन उनके रीति रिवाज थोड़े अलग होते ही है एरिया वाइज, फिर उनके थोड़े इश्यू होने के चांसेस है, इसलिए विवाह करते समय ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका रहना खाना, उनकी जो खाए सोने की सब आदतें अलग होती है, तो थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस है। विवाह केवल पति पत्नी के बीच में नहीं होता, विवाह परिवार के साथ होता है। किसके साथ होता है? पूरे परिवार के साथ विवाह होता है, पति का भी पत्नी के पूरे परिवार के साथ विवाह होता है, और पत्नी का भी पति के पूरे परिवार के साथ विवाह होता है। इसलिए बेस्ट है कि लोकेलिटी में करे, उनका स्टैंडर्ड सही रहे, उनके विचार सही, भाई उनको करना क्या है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है, कठिनाई हो जाती है। इसके लिए मैरिज करते समय बहुत बुद्धिमान लोग चाहिए जो विचार करेंगे भाई। इससे पहले विवाह करते समय बहुत बूढ़े बूढ़े लोगों को बुलाते थे, मेरे सिस्टर के विवाह के लिए बस हमारे जितने में घर वाले बूढ़े लोग थे, 10-15 लोग की मीटिंग लगती थी, क्या करना चाहिए, लड़का कैसा है, लड़की कैसी, ये वो, बाप रे बाप, इतना सब डिस्कशन होता है। केवल पति पत्नी का विवाह नहीं होता है, मियाँ बीवी राजी, बस वो गलत है, सब लोग राजी होने चाहिए। और अभी तो हमें बहुत मैच्योर गाइडेंस है, क्योंकि अभी तो भक्ति भी है भाई, माता पिता चैंटिंग करते कि नहीं, नॉनवेज खाते हैं क्या, फिर कैसे उस पत्नी को रखना है, अभी तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले तो सब लोग डिफॉल्ट सब फॉलो करते थे, अभी तो डिफॉल्ट फॉलो भी नहीं करते, तो और ज्यादा मैरिज कॉम्प्लिकेशन हो गया। इसके लिए बहुत बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है, तभी मैरिज टिकेंगे, तो टूट जाएंगे। ठीक है माता जी, हरकृष्ण और ठीक है, वर्ण संकर तो सब है ही है, अभी उसमें बताने की क्या फायदा है उनको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कलयुग में हर एक व्यक्ति वर्ण संकर है, क्योंकि उसका कुछ संस्कार नहीं हुआ, तो बता कि फायदा क्या है, अभी उसे बाहर निकाल के लिए ये भागवत और महामंत्र बस। ठीक है, कभी ऐसा नहीं सुना, ये वर्ण संकर, हम सब वर्ण संकर ही है कि हम सतयुग के नियम का एक भी पालन नहीं किए, हमको क्या पता हमारे माता पिता ने क्या पालन किया है, गर्भदान किया क्या, मंत्र का उच्चारण किया क्या, ब्राह्मणों का दक्षिणा लिया क्या, वो पूजा क्या, कहाँ पता है हमें, इसलिए जो नहीं पता भूल जाओ। अभी हमारे को नष्ट प्राय शोभते शोणित्यम भागवत भागवत सेवा, और हमसे जितना होता है उतना करना है। ठीक है, अभी यंग जनरेशन के लोगों को हम पूरा गर्भदान संस्कार का ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो हो गया है उसको मत देखो आप, उसको देखना नहीं, अभी करना है, अभी करना है। पुनश्चयाचमानाय जातरूपम् अदा प्रभु ततो नुतम् मदं कामम् रजो वैरम च पंचमम्। मैं खुद पढ़ने वाला हूँ क्योंकि समय कम है। ठीक है, कली ने जब कुछ याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। सोना मतलब लोभ, बहुत ज्यादा लोभ, क्रीड। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने हेतु तो 4 स्थानों में भी अनुमति दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कभी नहीं थे। अतः कली ने राजा से कुछ ऐसा देने की याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उनसे उस स्थान में रहने का अनुमति दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है उपयुक्त चारे वस्तुएं हो पा जाती है, उनके अतिरिक्त और वर मनुष्य भी रहता है। इस प्रकार कली स्वर्ण मणिकृत हो गया। मतलब
सोना मतलब क्या है? ग्रीड। जहां ग्रीड आती है तो आदमी सब तोड़ता है, धीरे धीरे नियम तोड़ेगा, भ्रष्टाचार करेगा सब। इससे ग्रीड बहुत डेंजर है, कामम। तो इसलिए अमरीश मार ने कहा कि काम को भगवान के समय लगा है, ग्रीड चाहिए ना भगवान के लिए ग्रीड करो। तत्र लवले एकल मूल्य, बस जितना भी आपको ग्रीड करना है किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। तो अभी मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है? बस अभी क्या 4-5 क्लोक है तो हम अगले संडे को, हम तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, हमारा सिलेबस आराम से कवर हो जाएंगे। कोई, हाँ गोविंद पे माता जी पूछे, क्योंकि मुझे प्रश्न के उत्तर के लिए समय देना। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंग प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि कई बार हम लोग जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ कई ऐसा बताया जाता है कि चलो आपकी ये ग्रह अच्छे नहीं, ये नहीं है, ये पूजा पाठ कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, काल सर्प योग है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, तो इस तरह के जो अनुष्ठान बताए जाते हैं, तो एक भक्त के लिए क्या वो अनुष्ठान लाभदायक है, या फिर मैं हमें इसका उत्तर अभी क्यों नहीं दे मतलब आपकी पाऊंगा, क्योंकि मैं, हरे बोल, हरे, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आवाज आ रहा है। इसका उत्तर अभी मैं क्यों नहीं दूँ, क्योंकि मेरा उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी करंटली, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं? क्यों जाता है? चैंटिंग करो ना, जी है ना? क्यों क्यों एलोपैथी के पास क्यों जा रहे हो? चैंटिंग करो। तो ग्रह दोष निवारण करने से बीमारी सटल रूप से नष्ट हो जाती है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से ग्रॉस लेवल पे। लेकिन ऐसे ज्योतिषी भी होने चाहिए जो निस्वार्थ है, क्योंकि जिस पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता है उस ब्राह्मण की शक्ति पे होता है, वो खुद उस कर्मा को स्वीकार करता है और अपनी तपस्या से जला देता है। तो ऐसे योग्य भक्तों को हमको निर्माण करना पड़ेगा, जो चार नियमों का कड़क पालन करते हैं, उनको सब पता है विधि क्या है, और मोस्टली वो भगवान कृष्ण को ही पूजा करते हैं जनरली, उनकी पूजा में भी। तो हमारे शास्त्र में भी ऐसे नरसिंह यज्ञ दिया है, सुदर्शन यज्ञ दिया है, इस संप्रदाय में ये बहुत ही है। लेकिन मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए क्या चाहिए? उस व्यक्ति का आचरण पर डिपेंड करता है, जिस पूजा करने से पैसा डालने से नहीं होता है, समझ गया ना? जो ब्राह्मण होता है एकदम सिंपल रहता है, मैक्सिमम वो जप करते रहता है और वो लोगों के ऊपर उपकार करता है, उसका पाप को जला देता है भगवान की शक्ति से। तो वैसे साधना चाहिए उसके लिए, और अगर हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया ना तो हम सबके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि गुरु इतनी साधना करते हैं। गुरु क्या करते हैं? इतनी साधना करते हैं। तो हमें ऐसे ब्राह्मणों का या ऐसे भक्तों का निर्माण करना पड़ेगा जिनकी साधना बहुत स्ट्रांग है, निस्वार्थ बुद्धि और बस लोगों का कल्याण करने की इच्छा है। फिर उन्होंने केवल कीर्तन भी किया, सुदर्शन किया तो आपका खत्म हो जाए। और वो केवल इतना नहीं करेंगे, आपको वो शिक्षा भी देंगे जिससे आपको भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तू पाप करते जा मैं यज्ञ करूंगा, तू पाप करते जा मैं यज्ञ करूंगा, वो गलत है। समझ रहे हैं? समझ गए जी मतलब? प्रभु, यस, थैंक यू। आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। और क्या होता है, हर एक व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है ना कि जिसको 100% भगवान रखे थे। अभी कोई बोलेगा मैं मेडिसिन दूंगा नहीं, मैं 16-60 पुराण करूंगा, वो मर गया तो वैसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोले मैं भगवान के धाम जाऊंगा चैंटिंग करते करते। हम रेडी है ना, तो डाउ मैं डॉक्टर के पास जाओ, मैं चैंटिंग करते रहो, पर वैसा श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो फिर बोलेंगे ठीक है आलूपति के पास जाओ, ठीक होके चैंटिंग करो। तो वैसे कि ठीक है कोई पूजा करनी है, क्योंकि ब्राह्मण में पूजा करो चैंटिंग करो, बाकी हम हमेशा स्मरण भगवान का करेंगे। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते समय भी हमें बोलना चाहिए भगवान का स्मरण, औषधिम चिंतितम विष्णु, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आर्के चैतन्य प्रभु, प्रिय बंधु प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, अभी मुझे रोकना पड़ेगा। मैं आपका प्रश्न अगले से अड्रेस लेता हूँ, आप कृपया मुझे ईमेल करो, मुझे ठीक थोड़ा अर्जेंटली जाना था। ठीक है, वांछा कल पत्र गच्छ कृपा सिंधु भवच पतिता नाम पावनेभ्यो अनंतं कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। तो मेरा इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू प्रभु है, जी, हरे कृष्ण, मेरा यस रिसर्च चल प्रभु रहा है। मैं 100% मेरे वाक 100% मत मानना, मैं इसके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा।
हरि बोल। हाँ, पर प्रभु जी कई बार क्या होता, कोई एक बार एक अनुष्ठान करता और उसका वो सफल हो जाता है ना, तो उसको बहुत बिलीव हो जाता है, वो तो बारंबार है ना, बस आगे बढ़ते चले जाता, फिर उसका बिलीवनेस बहुत बढ़ जाता है उससे, है ना। नहीं, हमें अनुष्ठान ऑफकोर्स, हमें अभी वो भक्त का हेल्थ इतना खराब है कि वो चैंटिंग भी नहीं कर पाता, उसको डॉक्टर के पास देना पड़ेगा, उसको लेके जाओ। उससे जैसे अगर कोई भक्त है तो मैं जनरली लोगों को नर्सिंग यज्ञ रिकमेंड करता हूँ, मायापुर में जाके जाके नर्सिंग यज्ञ करके आओ, ताकि भक्त के हाथ से क्या, तो कुछ ना कुछ इसको इफेक्ट होगा, और जो भी इफेक्ट होगा भौतिक नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा। ठीक है, यस सर, थैंक अभी मैं यू। हरे कंक्लूजन कृष्ण। रिसर्च करके बताऊँ।